नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। दो सीटों पर बिहार में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बिहार में सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आते हैं और उसके बाद तारापुर रवाना हो जाते हैं। आपको बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में यह दो सीटें हैं बिहार की, जहां पर उपचुनाव होने हैं, जहां पर जो सीटें थी वो एनडीए की थी और जो विधायक थे वो जेडीयू से थे, लेकिन दोनों विधायकों की कोरोना से मृत्यु हो गई। ऐसे में बीते दिन तेजस्वी यादव ने बयान भी दे दिया कि यह बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है जो दोनों विधायकों की कोरोना से जान ले ली। इतना ही नहीं, बीते दिन से ही तारापुर के दौरे पर हैं तेजस्वी यादव और तमाम विधायक तेजस्वी यादव के तारापुर के दौरे पर हैं। इसी क्रम में बिहार की राजधानी पटना से आपको बता दें कि दानापुर के विधायक जो हैं रतलाल यादव, वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। तारापुर के अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। किस तरीके से उनका जो दौरा है, पहले आप ये देखिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि इस दौरे को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हुजूम में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में रतलाल यादव एक एक लोगों से जाकर बातें कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में उपचुनाव हैं, दो सीटों पर उपचुनाव हैं। ऐसे में तीन तीन प्रत्याशी उतरे हुए हैं, एक कांग्रेस से है तो दूसरा राजद से और तीसरा एनडीए से। तो ऐसे में जो अंतर कलह देखने को मिल रही थी राजद और कांग्रेस में, वो अब साफ साफ दिख रही है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, दोनों पार्टियों के नेता जो हैं वो अलग अलग चुनाव लग रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि चुनावी जो राजनीति है, जो रणनीतियाँ बना रही है, उसमें कौन सफल होगा, राजद, कांग्रेस या एनडीए। मैं उत्कर्ष, डीटीवी भारत, पटना।